गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 30 ऑफ 75 आर 3 हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। चलिए फिर वेट एंड मेजरमेंट चेक करते हैं। ओके सो गाइस, चलिए इट्स वेट चेक टाइम और उसके बाद मेजरमेंट भी चेक करेंगे। तो लेट्स सी क्या आया है, क्योंकि मैंने लास्ट डे 10 पर वेट चेक किया था, 20 का कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरा ये जो मेन मशीन है ये पैक हो चुका था बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग। चलिए आज है डे 30, सो वेट एंड मेजरमेंट चेक करते हैं। लेट्स बिगिन। सो इट इज 93.65। मेरे ख्याल से पहले भी ये वेट आ चुका है, एग्जैक्ट सेम नंबर आई गेस। मेरे ख्याल से मेरा 75 आर 3.0 पहले वाला, या फिर ये जो था ना बीच में 120 डेज वाला, उसमें शायद से, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन आई एम हैप्पी दैट मेरा वेट 93.65 आया है, क्योंकि रीज़न मैं जानती हूँ, इतना भाग दौड़, इतना ये सब, बाप रे बाप, और खाने पीने के मामले में टाइम का कोई अता पता नहीं, ठीक है, दैट्स द मैटर। एंड अब करते हैं मेजरमेंट चेक, सो लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। थाइज एंड काफ मेजर करती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। एक सेकंड में आर्म्स कर देती हूँ। थाइज एंड काफ मेजरमेंट करके फिर आप लोगों को वहां पर दिखाऊंगी। सो गाइस, चलिए दीज आर द मेजरमेंट्स एंड माय वेट। तो वेट मैं बता देती हूँ, डे 10 पर इट वाज 96.35 एंड अभी डे 30 पर वेट इज 93.65। ये तो उल्टा हो गया है, 3.565 लाइक दैट। तो मेजरमेंट्स में चेस्ट 1 इंच कम हो गया है, ब्रा बैंड कितना 1 इंच बढ़ गया है, हाई वेस्ट 1/2 इंच कम हो गया है, हिप्स 1/2 इंच बढ़ गया है, आर्म्स 1/2 इंच बढ़ गया है, थाइज 725.7 था तो वो जो 7 है वो कम हो गया, नाउ इट इज 25, एंड काफ जो है वो 1 इंच कम हो गया है। मेरे को मेजरमेंट से यही एक्सपेक्टेशन था, मतलब इससे बेकार एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि मैंने वर्कआउट एंड वॉक ना के बराबर किया है, बाकी शरीर का जो मेहनत है वो तो हो ही रहा था। ए भाई क्या हो रहा है। तो चलिए अभी मेरे सेशन का टाइम होता है, मैं सेशन लेती हूँ, आज भी सुबह वॉक नहीं, मैं अभी जाऊँगी नीचे सेशन के बाद वॉक करने के लिए इन द गार्डन, मेरे घर बिल्डिंग का गार्डन, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन। One hand distance, properly pick your leg and bend. सो गाइज, ब्रेकफास्ट करते हैं, इट्स 10:30। मैं लाइक कुकिंग चैनल के लिए रेसिपी बनाने में लग गई, वर्कआउट एंड सब हो गया। सो दिस इज वो यस्टरडे का जो मिलेट्स का, मिलेट्स नहीं, सीरियल्स, हमारे जो दाल है उनका बैटर था ना, वो बचा था, तो मैंने उसके अंदर हंग कर्ड के साथ वेजीज मिक्स करके बढ़िया से ये सैंडविच बना लिया एंड तड़के में घी एंड मस्टर्ड ऑयल का तड़का दे दिया। तो इसकी रेसिपी भी मेरे कुकिंग चैनल पर आ जाएगी। तो चलिए, टेस्टिंग तो मेरी ऑलरेडी हो गई है एंड दिस इज जस्ट बॉम, बट मेरे को दो हाथ लगेंगे रे बाबा, तो एक फोन में किधर रखेगी रे बाबा, ऐसे खाना पड़ेगा। जस्ट वाव।
मैं एक चीज बताना तो भूल गई, ये जो पुदीने की चटनी है ना, इसकी रेसिपी भी शॉर्ट हो चुकी है, शूट हो चुकी है, तो जल्दी मेरे कुकिंग चैनल पर आ जाएगी। स्टे ट्यून्ड गाइस। गाइस देखो, कोई चीज नहीं है, सिर्फ हंकर्ड है। एंड दिस इज सो जूसी, डैम इट, सो जूसी। और साथ ही मिंट की चटनी, लवली इजंट इट। एक सेकेंड क्लोज अप दिखाती हूँ, लुक। कोई इसमें क्या बोलते हैं ना, बस जो घर पे बनाई हुई क्रीम चीज थोड़ी सी लगाई थी, और बाकी ये हंकर देखो, दिस इज सो क्रीमी, जस्ट लाइक चीज। 21, 22, 23, 24, पूरा ऊपर मत आइए, नीचे ही रहिए। 25, बाउंस डाउन। 26, 27, 28, 29, 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30. और प्रणीता जी कैसा लगा? अब मजा आ रहा है, बट करते टाइम मजा नहीं आ रहा था। करते टाइम बॉडी टूट रही थी। और प्लस मैंने बहुत टाइम बाद, मतलब मैंने लिटरली 4 साल बाद मेरा फर्स्ट वर्कआउट सेशन था आज, तो ऐसे लगता है बॉडी में जैसे टॉक्सिन्स होते हैं, तो वो फील होता है ना कि ऐसे कुछ मतलब आ रहा है बाहर, तो मेरे को इसलिए बहुत प्यूकिश भी लग रहा था कि मतलब हाँ कि इतने टॉक्सिन्स हैं बॉडी में इसका मतलब। हाँ, तो इसीलिए अब यही है कि अब मोटिवेशन ये रहेगा कि अब वर्कआउट हो रहा है तो अब डाइट भी ठीक रहनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। कुछ मतलब बोलते ना, कोई स्ट्रिक्टनेस डाइट में करनी नहीं है, बस जो खराब चीजें हमने वो ये तो क्या बना रही हूँ मैं डिनर के लिए, वो मैं आप लोगों को डायरेक्ट, मेरे फोन में बैटरी नहीं बची है तो मैं उसको बनाती हूँ। मैं एक्चुअली फिर से कटलेट्स काइंड ऑफ कुछ बना रही हूँ, लेकिन ओनली सोयाबीन का। सो लेट्स सी। सो लुक गाइस, सोयाबीन और सत्तू का ये मिक्सचर है, ऐसे बॉल जैसा बना रही हूँ। इसमें खड्डा करके बीच में भरेंगे पनीर, और इसे करेंगे कवर, वेजिटेरियन मीट बॉल काइंड ऑफ। पता नहीं इस घर में आकर प्रोटीन का क्या भूत ही चढ़ा है, एकदम अजीब से। चलो इसे अब हल्का सा क्या बोलते हैं, ग्रिल या शालो या जो भी है, फ्राई। लुक एट दिस गाइस, जस्ट लुक एट दिस पी और कबाब, ओ माय गॉड, मैं बहुत जल्द कबाब क्वीन बनने वाली हूँ लगता है। ओए होए, और वो भी फुल हाई प्रोटीन। सोया चंक्स जो है ना, सोयाबीन चंक्स, वो भी है बढ़िया से, और अंदर फिलिंग में लिटिल बिट चीज एंड पनीर, और ये जो सुबह मैंने रैप के अंदर हंक कर्ट का जो बनाया था ना, उसके साथ खाऊंगी ये कबाब्स। मजा आ रहा है, और मेरा डांस रील देखा कि नहीं? देखो 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 जाना, एक कॉपीराइट लग जाएगा रे, जान दे जान दे। लुक एट दीज कबाब्स गाइस, तो ये सत्तू एंड सोया चंक्स का कबाब है, अंदर फिलिंग देखना, अब इनसाइड फिलिंग देख। लेट्स टेस्ट इट। तो सुबह जो पुदीने की चटनी बनाई थी उसके साथ खाते हैं। माइंड इज ब्लोइंग, लेट्स हैव इट विद द हंक कर्ड वेजी। माइंड ब्लोइंग, वाओ। So this is my dinner. इसको तो मेरे रेसिपी वाले वीडियो में आना ही पड़ेगा, कल शूट कर दूँ। चलो आई फिनिश माई डिनर, ठीक है, मिलती हूँ मैं। सो गाइज, मैं आई हूँ अभी नीचे, किसी काम से आई थी, लेकिन एक नई दोस्त बन गई, तो हम लोग गार्डन में वॉकिंग कर रहे, बिना चप्पल बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने बोला चलते चलते बात करते,
अभी चल रहे बढ़िया से भाई।